यश पैरव चो SHM का एक और बेहतर क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अर्थ अर्थ के अंदर एक ऐसी टनल बना दी गई है जो अर्थ के सेंटर से होकर जा रही है। यहां पे एक पार्टिकल रिलीज कर दिया गया जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ अटैक होगा, इसमें बढ़ेगी और यहां पहुंचने के बाद इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन, आगे तक जाएगा और फोर्स पे दोबारा सेंटर तक लेगा तो स्पीड कम होती चली जाएगी, अल्टीमेट फिर घर आएगा और बाय दिस वे ये ऑस्किलेशन करना स्टार्ट कर देगा। हमें ये प्रूफ करना है ये ऑस्किलेशन SHM होगा और इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ये क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे। तो ये तो पता चल चुका है कि मोशन करेगा और ये मीन पोजीशन होगी। तो जब कभी वो मीन पोजीशन से किसी डिस्प्लेसमेंट पर है, से एक्स इज अ मीन पोजीशन ओ, एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, जो यहां पर है तो कितना फोर्स इस पर लग रहा है सेंटर की तरफ यानी मीन पोजीशन तरफ आने के लिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि होल अर्थ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल नाउ टू अट्रैक्ट इट। अब इसको खींचने का काम केवल ये वाली रेडियस वाली अर्थ ही करेगी जो एक्स रेडियस की हो। इसका मास आप निकालेंगे नॉर्मली पूरी अर्थ का मास एम ई और रेडियस आर ही मानते हुए, डेंसिटी यूनिफॉर्म मान के चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि अर्थ हैज सेम डेंसिटी एवरीवेयर ऑलमोस्ट, हालांकि एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, तो एवरेज डेंसिटी लेके चलते हैं। तो पहले आप इसका मास निकाल लेंगे और इसकी रेडियस, तो रेडियस एच होगी, ठीक, बस मास निकाल लिए, मास ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट दैट पार्टिकल नाउ एम इज इक्वल, तो एम ई मास था पूरे वॉल्यूम का और पूरा वॉल्यूम था 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये हो गया यूनिट वॉल्यूम का मास और हमें चाहिए इतने वॉल्यूम का मास, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल, सो एक्स क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू होल मास एम ई, होल मास इज कॉन्स्टेंट। अब आज पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते, सो फोर्स ऑन पार्टिकल या बॉडी एफ इज इक्वल टू, एक तो माइनस लगा दिया करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आप जानते हो क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स उल्टा लग रहा है। दूसरे कितना लग रहा है, जी इंटू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका मास आप निकाल चुके हो, एक्स क्यूब अपॉन आर ई क्यूब इंटू एम ई इंटू उस पार्टिकल का मास एम, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, ओके, सो एफ इज इक्वल टू माइनस ये एक्स स्क्वायर पर क्यूब है तो एक एक्स में चला जाएगा, ठीक है, साथ साथ इस एम को इसके नीचे ले एफ, पता है एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है इस क्वेश्चन में, एफ अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस जी और एम ई जी एम ई अपॉन आर ई क्यू इंटू एक्स, दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई क्यू इंटू एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सो
द मोशन ऑफ पार्टिकल इज SHM एंड हेंस टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन. सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन a की वैल्यू re क्यूब अपॉन gm. ओके, इस फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे क्योंकि मास और रेडियस अर्थ की दी जाती है, या इस फॉर्म में आंसर निकालते हैं. ओके, बाकी पूछने पे अगर वो कहता है कुछ तो gm इज इक्वल टू gre स्क्वायर और वो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ. तो आपने देखा अर्थ में टनल बना दी गई है. इस स्थिति से ही बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, जबकि जो भी दे रखा है, जो भी चीज दे रखी है, उसको अच्छी तरह कंसिडर करें, ड्रॉ कर दें, रास्ता 100% निकलता है, 100% रास्ता निकलता है. इन क्वेश्चन से हमेशा नेट फोर्स निकाला जाता है मेन पोजिशन से किसी डिस्प्लेसमेंट पर, एक्सेलरेशन निकलेगा और एक्सेलरेशन यकीनन अगर SHM है तो डिस्प्लेसमेंट के माइनस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू तो आएगा ही आएगा, और SHM प्रूफ होते टाइम पीरियड तुरंत निकलता दो रहे. ओके, तो क्वेश्चंस करते रहें, इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन था, एंड कैरी ऑन.